वापस एक बार हम लोग आ गए एक खतरनाक व्लॉग के अंदर। और गाइस तूने ये क्यों पहना है? क्योंकि अपने को ना वीडियो बनाना है तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए भाई। बाकी टाइम पे कुछ भी पहन के बैठा है, अभी वीडियो बनाना है इसलिए इसने ये पहना है। आज का आइडिया अपना काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हम लोग बनाने वाले कुछ माइनक्राफ्ट की चीजें। बेसिकली कॉम्पिटिशन होने वाला है गाइस, दोनों में से कौन अच्छा क्या बनाएगा। तू नहीं बता दे। ठीक है होने के बाद देख लेना गाइस। ठीक है देख लेते हैं कि कौन क्या बनाता है। जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को जो कचरा होगा वो नहीं जो हारेगा ना उसको कचरा साफ करना पड़ेगा। हाँ ये बराबर बोला क्या मस्त साइड है। चलो गाइस तो जल्दी से ना अपने को काफी सारी चीजें लगेगी बनाने के लिए। वो देखो दोस्तों बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स गाइस काफी ज्यादा जगह लगेगी अपने को ये सब करने के लिए, इसलिए अंदर नहीं करते बाहर ही करते। दूसरा रीजन ये है कि थोड़ी सी क्या बोलते हैं सर्दियों का मौसम है, अंदर थोड़ी सी ठंड लग रही है, बाहर आके ये सब काम करेंगे हम लोग। अब देखते लोग गेस करते हैं किसका अच्छा होगा। लेकिन थंबनेल में तो पता चल जाएगा ना। ठीक है मेरा गाइस ट्यूब है मेरा वाला क्रीपर है। ठीक है दोस्तों हम लोग गाइस अभी अनबॉक्सिंग करने वाले कुछ यूनिक से आइटम की। गाइस अभी ऐसे आइटम की हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले जो हर अनबॉक्सिंग में लगता है वो है एक बॉक्स बॉक्सा वाला। ओके दोस्तों यही बॉक्स था, मुझे लगा कि इसके अनबॉक्सिंग कर लिए। गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स से ये कर लिया, क्या बोलते हैं इसे पैक कर लिया। इसमें काफी टाइम चला गया हम लोग का। हाथ थोड़े मोटे नहीं लग रहे क्या? जिम जाता है क्या? सामने से देख ये हो गया उसका सर, थोड़ा शॉर्ट है बट एक क्रीपर है। ये आपको लग रहा होगा हो गया यार वीडियो क्या ही देखना, आप वैसा नहीं है दोस्तों। ये तो प्राइमरी काम था, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन से। अभी असली काम शुरू होगा क्योंकि सारे मार्कर्स वगैरह कलर करने, इसको कुछ जगह पेपर्स वगैरह चिपकाने काफ़ी टाइम जाएगा इस सब में। ऐसा भी क्या हो गया ना, पेपर की थोड़ी सी कमी पड़ गई है, थोड़ा कैलकुलेशन किया ही नहीं था मैंने इसलिए कम पड़ रहा है। जल्दी मंगवा चल गाइस। ये अपना शुरू हो गया तीसरा दिन, ये बक्से यहाँ पे रखे थे हम लोगों ने। एंड अभी हम लोगों ने काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा लाई है क्योंकि यार जरूरत थी उसकी। ये देखो सीधा रोल्स के रोल्स लाए इसके बड़े बड़े, तो ये इजी जाएगा अप्लाई करने के लिए। एंड फेविस्टिक अपनी जल्दी खत्म हो रही थी तो फेविकोल के डब्बे लेके आए हम। अपना कैरेक्टर मस्त दिखेगा या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो मस्त दिखूंगा क्योंकि दोस्तों मैंने काफी टाइम से ये वाव स्किन साइंस की एप्पल साइडर विनेगर रेंज यूज करना स्टार्ट की है। इसमें आता गाइस ये एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश, वो भी एक ब्रश के साथ। साथ ही में आता है ये 10-in-1 एक्टिव मिस्ट टॉनिक एंड ये फेस मॉइस्चराइजर। सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ ये वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश जो कि बना है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर से। ये फेस वॉश आता है बिल्ट इन ब्रश के साथ जो हेल्प करता है डीप क्लींसिंग में। एंड ये फेस वॉश आपके फेस से डर्ट, एक्सेस ऑयल एंड स्वेट को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये आपके स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को रिस्टोर करने में भी हेल्प करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, प्रो विटामिन B5, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हेलुरोनिक एसिड। सेकेंड है ये 10-in-1 एक्टिव मिस्ट टॉनिक जो हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में एंड कंट्रोल करने में हेल्प करता है एक्ने एंड पिंपल को। इसको आप हेयर पे भी स्प्रे कर सकते हो, ये हेल्प करता है डैंड्रफ एंड बिल्डअप को कंट्रोल करने में। लास्ट में है ये अपने पास एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, ये हेल्प करता है इचीनेस और रेडनेस को रिड्यूस करने में। ये सूटेबल है फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्टिकी नहीं बनाता एंड स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें है एप्पल साइडर विनेगर, है हेलुरोनिक एसिड एंड बीटरूट एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखता है। और गाइस वाव स्किन साइंस के कोई भी प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं जैसे कि सल्फेट, पैराबिन एंड सिलिकॉन। आप मेरा कूपन कोड खतरनाक20 यूज कर सकते हो 20% ऑफ लेने के लिए इनकी वेबसाइट buywow.in से। बी वाव नेचुरली। चलो भाई जल्दी से चलते हैं एंड अपना यार कंप्लीट कर देते हैं क्रीपर। ने वाला हूं मैं। ए पहले ही प्राइस निकाल। प्राइस चाहिए? शुरू हो जाता है अभी साफ सफाई करने दे। साफ सफाई करना है ना। निकाल। ब्लू कलर का स्ट्यू का अपर बॉडी रेडी हो चुका है और थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए थोड़ा गंदा आ गया तो यहाँ पे पैंट उस पे रख के देखना। तो अभी ये देखो भाई लग रहा है कि नहीं स्ट्यू का बॉडी बट्टे का देख। गाइस मेरा तो सिर्फ ये बॉडी रेडी और ये पैर बनाने की कोशिश चल रही है
छोटे बक्से पे चिपकाना थोड़ा मुश्किल ज्यादा है इसको। गाइस ये देखो इससे हो नहीं रहा है तो भाई दोस्त से हेल्प ले रहा है। ये देखो ये सिर्फ दिखा रहा है कैसे। नहीं नहीं गाइस वो देखो उस बंदे को, उसको आइडिया ही नहीं है कि उसने कुछ तो गलती की है। क्या गलती? ये क्या है तेरा हाथ? और ये पैंट का कलर क्यों है उस पे हाथ पे? ये पैंट का कलर है नीचे। ओहो क्या लग रहा है लिटरली हाथ। ए नुबड़े आइडिया तेरा है बट काम मेरा है। जीतू हाँ सेंटर लाइन देखते हैं देन। दोस्तों घनघोर ड्राइंग हो रही है, मैं मेजरमेंट कर करके इसकी आंखें मुंह सब कुछ बना रहा हूँ इस पर। आई थिंक अब सही बन रहा है लगभग एक मिनट। 4 सेंटीमीटर का चाहिए गाइस। ये देखो एकदम हेयर स्टाइल के साथ अपना स्ट्यू रेडी होने वाला है भाई, बता रहा हूँ ना एक नंबर लग रहा है। क्या अभी ये थोड़ा थोड़ा क्रीपर का फेस जैसा लग रहा है क्या दोस्तों? आई थिंक सो, आई होप सो। दोस्तों अभी हम लोगों ने ड्रा तो कर लिया है क्रीपर, लेकिन उसके फेस की डिटेलिंग थोड़ी बहुत चल रही है। ये व्हाइट पेपर से वगैरह चल रहा है थोड़ा बहुत यावा लगाने को। यहाँ पे अपना और एक हाथ रेडी है विथ फेस, अब फेस भी रेडी हो। ऐसे हाथ लगाया जाता है हॉस्पिटल में। बढ़िया लग रहा है ना? मैं सिर्फ देख रहा था। अभी है ना ये बताओ मुझे कौन सा कैरेक्टर लग रहा है, जो SMP बंद हुआ है वही है कि नहीं भाई? इससे पूछो फिर। बंद हुआ ना ये SMP अब तक? ठीक है टेंशन मत ले गाइस, बंद हो चुका है। अभी यही हीरो बहन से काम चला लो। ओके लाइक दे दो इस वीडियो को। दोस्तों अब ये डिटेलिंग का काम चल रहा है अपना, लाइक थोड़ा ब्लैक वगैरह व्हाइट वगैरह लगाएंगे बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा क्रीपर जैसा लग रहा है। प्लीज ना बोलो ना लग रहा है भाई। तो अपना स्ट्यू रेडी हो चुका है यार, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे देखो। अबे वो थोड़ा डिटेलिंग चल रहा है तो टाइम लग रहा है। तो मेरा भी डिटेलिंग हो चुका है एकदम। ये मैंने सब है ना गाइस एक टू एज हेड मतलब ऐसे काट के चिपका है। दोस्तों ये देखो हम लोगों ने दोनों भी बनवा लिए। ये है इसका स्ट्यू और ये है मेरा क्रीपर। ये स्ट्यू एक्चुअली मैं बोलूं तो भाई मेरे हाइट का लगभग, और क्रीपर थोड़ा सा छोटा सा हो गया क्योंकि अगर मैं इसको ऊंचा करता तो ये इतना ऊंचा हो जाता, इसलिए मुझे तो बट किया नहीं। हाँ मतलब भाई ये सब करने में मैं थक गया हूँ। ये डिटेलिंग देखो दोस्तों, पूरा पैर सही से किया है, सब साइड से लगाए चीजें, पीछे से भी लगाया देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे से, सब जगह से परफेक्ट क्रीपर है ये दिखने के लिए। मेरे बारे में बोलना इसका भी एकदम परफेक्ट है, पीछे से इसने बाल वगैरह सही किए है, पैंट सही है, हाथ एकदम परफेक्ट कलर के है, देन आंखें परफेक्ट एकदम पसंद आए मुझे, एकदम परफेक्ट आंखें ना, एंड ये मुंह भी एकदम मूछ मुंह है क्या? ये मूछ है मूछ, ठीक है मुझे नहीं पता लेकिन परफेक्ट बनाया काफी। एक्चुअली बिक्सू मैंने और मेरे भाई ने ना कुछ बनाया माइनक्राफ्ट का रियल, ठीक है? तो आपको जज करना है कि कौन सा वाला बेटर है, कौन सा चीज बेटर है, ठीक है? दिखाओ अभी दिखा था क्या भाई? डन डन जज करना है तो एक नंबर है। ये देखो पूरा बॉक्स से बना है, पूरा बॉक्स से बना है। आप बताओ कि ये अच्छा दिख रहा है क्या? ये स्ट्यू है ठीक है, इसके हाथ अगर दोनों में से बोला जाए तो ओके, मुझे पता नहीं किसने क्या बनाया बट फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को स्टीव का बहुत अच्छा लगा, तो हाँ स्टीव लेट्स गो इट्स स्टीव। क्या भाई दोस्त नहीं अपना एंड्रू यार, मैं जीत गया। इसने बनाया था स्टीव को। अरे मैंने मैंने क्रीपर बनाया था। आपको ना एक चीज दिखाती, साथ में कोई है क्या आपके? और ड्रीम बॉय ड्रीम बॉय घूम रहे हो? चलो अच्छी बात है दोनों। अरे ये सी हो, हेलो 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 हेलो, चलो तीनों को भी पूछ लेते ना एक साथ, अच्छी बात हो गई। चलो आपको क्रीपर पसंद आया? तीनों बताओ, क्रीपर अच्छा है या स्टीव अच्छा है? ये देखो दोनों भी दोनों अच्छे हैं पर ज्यादा अच्छा कौन सा लगा क्या बता पहले? क्रीपर 10 out of 11 क्रीपर को, ठीक है क्रीपर इज द बेस्ट। तीनों को क्रीपर अच्छा लगा? स्टीव भाई मेरे लिए स्टीव जीता, ठीक है। स्मार्टी भाई को स्टीव और उन दोनों को ड्रीम बॉय और इजीओ को क्रीपर। गाइस अभी हम लोग अज्जू भाई को भेजते हैं फोटो और देखते हैं इनका रिएक्शन क्या आता है,
कौन सा वाला बेटर है? ठीक है तो भाई देखो सच बताओ तो स्टीव ही लगा है। स्टीव लग रहा है? हाँ। अरे यार ये विकास ने बनाया था, मैंने क्रीपर बनाया सर, मैं जीत गया। थैंक यू। नहीं नहीं टफ चॉइस थी सर, बट क्रीपर क्रीपी लग रहा है वो, और स्टीव अच्छा लग रहा है। ठीक है सर रहने दो, चलो बस हो गया। थैंक यू, मैं जीत गया। और इज्जत निकालने की जरूरत नहीं सर, बस हो गया। एक चीज इसने बनाई, एक मैंने, तो आपको बस जज करना है कौन सा बेटर है। ठीक है ये भी करना है। मैं 100 रुपए दे दूंगा। ठीक है मुझे जीता है आपसे डील नहीं है भाई। मैं दे दूंगा उज्जवल भाई, मैं दे दूंगा। दिखा चलो दिखा दो। चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो भाई प्यारा नहीं है। क्रीपर जीत गया क्या? मतलब मेहनत मेहनत स्टीव में ज्यादा, बट यार क्रीपर में जो डिटेलिंग हुई है ना वो वाइट धक्का। एक्चुअली क्रीपर मैंने बनाया था और स्टीव इसने बनाया था। यार ऐसे थोड़ी होता है उज्जवल, मुझे जीता दो यार। मैं थोड़ा दोस्तों देखो डायरेक्टली जापान से कॉल आ रहे आज भाई, क्या मजे है। देखो यार मुझे भी आना था उधर। मैं तो बोला था नेक्स्ट टाइम दोबारा जल्दी दिसंबर वगैरह में कभी तो आते। ठीक है जी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ साथ में। ठीक है ये देखो। देखो मैंने डिसीजन बना लिया भाई, मुझे स्ट्रीप बहुत पसंद आया। मैंने जॉम्बी भी देखा, स्ट्रीप भी देखा। मैं तो स्ट्रीप को सिलेक्ट करूंगा, जिसने स्ट्रीप बनाया वो विनर। और क्रीपर को नहीं? क्रीपर नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्रीपर अच्छा लग रहा है बट स्ट्रीप बहुत अच्छा लग रहा है। डिटेलिंग देखो ना, डिटेल भी है सब। ये देखो इसका मतलब आपने बनाया है। हेलो 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 हाय हाय मित्रों, आवाज येतोय का आपका? हबीबी दुबई से कॉल आता, दुबई से कॉल आती हमको। देखो ये देखो ये दो चीजें बनाई, ये फूटा क्रीपर, क्रीपर नहीं फूटा। और उसका जो ये है ना अपना, इसका नाम क्या होता है? एलेक्स होता है। स्टीव स्टीव एलेक्स का जरा बाइसेप बहुत बड़ा है रे। स्टीव का स्टीव 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 जीता कौन सा वो बता। वो जो वो लड़ी आती है ना दिवाली वाली, वो डाल दे अंदर और चला दे। वो करना है लेकिन आज नहीं करना। ये द रॉक जॉनसन स्टीव लग रहा है, मतलब अभी ऐसा किसी को बचा दिया ना वो सीधा वसाई से उड़ेगा, कल्याण में गिरेगा। हाँ मुझे क्रीपर सबसे सही लग रहा है, क्योंकि वो क्रीपर ना मतलब देख क्रीपर हम माइनक्राफ्टर्स के लिए ऐसी चीज है ना हरा भरा, वो अगर ऐसा आग के कोने से भी दिख गया ना सबकी उधरी पड़ी आती है। पतंग उड़ाने गया था ये भाई, पतंग उड़ा रहे भाई। एक काट दिया मैंने बच्चे की वो भी। ठीक है तो अभी ये देख, ये स्टीव। ओ भाई ये और इसके हाथ मोटे हैं और क्रीपर बनाया। हाँ अरे भाई आ गया ना, नहीं मिल जाए ना भाई। क्रीपर अच्छा लग रहा है, क्रीपर अच्छा लगा। क्रीपर देखो गाइस एंड्रो भी अपना दोस्त है, मेरा था क्रीपर। ठीक है क्या करते पता है क्या, इसका जज आई को देते, आई बोलेगी कि कौन सा वाला बेहतरीन है, ये कौन सा वाला, ये बड़ा विकास का स्टीव स्टीव आई को पसंद आ चुका है दोस्तों, तो इसका मतलब मैं हारता हूँ। गाइस तो डेफिनेटली बताना कैसा लगा ये वाला व्लॉग, प्लानिंग वगैरह तो भाई मैं लिटरली बोलता हूँ इसने 1 महीने से प्लानिंग की थी, 1 महीने से ज़्यादा, तो काफ़ी मेहनत वाला व्लॉग है। मैं थक गया हूँ आज पूरे दिन के लिए, इसके बाद भी मुझे काफ़ी सारा काम है,
तीन दिन गए इसमें सब कुछ बनाने में। प्लीज लाइक दे दो वीडियो को, प्लीज डेफिनेटली लाइक दे दो। नहीं भी पसंद आए तो भी लाइक देना है, पहले बोलता हूँ भाई, मैं थक गया हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो दोनों को भी। हाँ, ये सबके फोटोज अगर हम लोग डालते हुए थे इन चीजों के, दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगा मैं यहाँ पे कहीं पे। अबे बस कर ना, फोटो तो निकाल, अब आप क्यों होता है पहले, खत्म कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई ये देखो, ये होता है हमारे यहाँ पे हारने वाले का इनाम, क्योंकि जीतने वाले को इनाम के लिए बजट ही कम होता है ना, तो हारने वाले का इनाम बजट दोस्तों।